मक्खन। अच्छा बाबूजी, हम लोग गीत बिरहा गायिका ज्योति सरगम एक बार फिर से आप लोगन के बीच में एक कांड लेके आवत बानी और ई बिरहा आप लोगन के जवाहर फिल्म्स के माध्यम से सुने के मिली। जोना चैनल के मालिक हमारे बड़े भैया कमलेश यादव जी के देखरेख में हो रहा है। मास्टर साहब, हमारे बिरहा में भूमिका के लय लग गए। वेदना से विभूषित हुई जिंदगी, शान शौकत से मिलता जो सम्मान है, डूब जाती है कश्ती कहीं दर बदर, मिट जाता है दिल का तो अरमान है, कांप जाता हृदय भाप जाता है मन, हट जाता करे जा सुन अपमान है, लिखते बबलू कवि की कलम रुक गई, देख जन्नत से आया जो फरमान। आजकल जमाना ऐसन हो गई बा, इतनी बाउर हो गई बा कि लोगन के थोड़ा सा दौलत हो जात बा, शोहरत हो जात बा, तो धरती पर पांव नहीं खे टिकत। लोगन सोचत हवन कि हम सबसे बड़ा आदमी हो गए है, लेकिन कब केकरा के भगवान लिखले हमन अपने पास आवे खातिर ई केहू ना जानत बा। हमरे बिरहा में गजल के नमूना लग गेल मास्टर साहब। मान लीजिए यहाँ पर कोई आशिक अपने मासुका से कहता है, क्या बात है, कैसे कहता, अगर तेरी अगर तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर मिल गया होता, अगर तेरे मोहब्बत का सहारा मिल गया होता,
निखल गई, कहना है क्या? रही रहमत रही रहमत खुदा की तो तगाजा आज उसकी है। रही रहमत खुदा की तो तगाजा आज उसकी है। तो जनाजा आज उसकी है। रही रह आज उसकी है। रही रह खुदा की तो तगाजा आज उसकी है। अरे बाबूजी, दुनिया में जे भी आईल बा ओकरा के एक ना एक दिन जाए के जरूर बा। कब जाई है तो इंसान के मालूम नहीं बा, नहीं तो वहू के इंसान टाल दे। आजकल रुपया पैसा से सब कुछ संभव है, लेकिन मौत ऐसा चीज है कि रुपया पैसा से न खरीदल जा सकेला न टालल जा सकेला। कहानी के करबा साफ शीशा नियर झलक जाई, नजम के लाई लगल मास्टर साहब। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में एक जिला गाजीपुर सही, मुहम्मदाबाद में कस्बा है यूसुफपुर सही। सुभान अल्लाह अंसारी का घराना है, सुभान अल्लाह अंसारी का घराना है। बड़ी विभूतियों से कापता जमाना है। डॉक्टर मुख्तार जी थे स्वतंत्रता सेनानी में, नाना ब्रिगेडियर के पद पर थे रवानी में। चाचा हामिद उपराष्ट्रपति बन गईले, चाचा हामिद उपराष्ट्रपति बन गईले। शोहरत की छाह में प्रवाह ना तनिको कईले, चाचा हामिद उपराष्ट्रपति बन गईले। शोहरत की छाह में प्रवाह ना तनिको कईले। अबू सुभान बेटा सिकदुल्ला अब जाल रहे, अबू सुभान बेटा सिकदुल्ला अफजाल रहे। छोटा मुख्तार जो परिवार का मिसाल रहे। अहे बाबूजी, कहानी बा उत्तर प्रदेश के अंदर जो शहीदी जिला कहा जाता है गाजीपुर जिला, वही गाजीपुर जिला के अंदर तहसील मुहम्मदाबाद में, तहसील के अंदर बड़ा ही प्यारा सा गांव जिस गांव का नाम बताया गया यूसुफपुर। वही यूसुफपुर की रहे वाला मुस्लिम परिवार, मुस्लिम समाज, जवन परिवार बड़ा ही होनहार कहल जाला कि जेकर जड़ मजबूत रहेला ओकर पलइयो मजबूत होला, आ जेकर जड़िए ना मजबूत रही ओकर पलई कहाँ ले मजबूत होई। जो बड़ा ही नामी बड़ा ही होनहार, और जब हमारा देश आजाद नहीं था उस समय देश को आजाद कराने में बड़ा ही विशेष योगदान रहा आप डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी जी का, जो सुभान अल्लाह अंसारी जी के पिताजी थे। सुभान अल्लाह जी के गोद में भगवान तीन गो पुत्र धेले हमन। तीनों पुत्र जब जन्म लेले, पहला पुत्र के नाम रखल गईल सुगदुल्ला अंसारी, दूसरा पुत्र के नाम रखल गईल अफजाल अंसारी, और तीसरा पुत्र बड़ा ही होनहार मुख्तार अंसारी नाम रखल गईल। अपन तीनों पुत्र के पढ़ावा लिखावत हुवन, घर गृहस्थी चल रहल बा, अपन जवन भी धंधा पानी बा सब चल रहल बा। एहवर
सबसे छोट बेटा जवन दुलारा रहलन, हर केहू के दुलार प्यार में पलल बढ़ल रहलन। एक दिन के बाद बा कि पूरा गाजीपुर में पूरा पूर्वांचल में हल्ला मचल बा। कैसे गीत के संकेत है मास्टर साहब। कोनो दुल्हीन अपने दुल्हा खातिर कहे का कहे कि पिया परदेश गईले तार लागल टोपिया में, तार लागल टोपिया सी, तार लागल टोपिया सी, तार लागल टोपिया में पिया परदेश गईले, तार लागल टोपिया में। ए बाबूजी बिरहा में भाव लिखल गेल कैसे, सोहरत से जिए परिवार ये सहरिया में, सोहरत से जिए परिवार ये सहरिया में, सोहरत से जिए परिवार ये सहरिया में। हल्ला मचल बा बरियार ये नगरिया, बरियार ये नगरिया में, सोहरत से जिए परिवार ये सहरिया में, के साथ साथ तीनों लड़का विकास कैले बाड़न और हर जगह खेले कूदे और दूर दूर राजनीति में जाए लगल। कैसे खेल कूद भाई करे जम के पढ़ाई, करे राजनीति लड़े लगल लड़ाई, करे राजनीति लड़े लगल लड़ाई, करे राजनीति लड़े लगल लड़ाई। मान सम्मान के बढ़ावले बजरिया, बढ़ावले बजरिया में, सोहरत से जिए परिवार ये सहरिया में, छोटा बेटा बहुत ही होनहार था, पढ़ने लिखने में जितना छोटा बेटा होनहार था कहीं बड़े दोनों बेटे भी बहुत होनहार थे। तीनों बेटे राजनीति में पैर रखने लगे, राजनीति में कदम रखने लगे, धीरे 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 पूरा पूर्वांचल में शोर होने लगा। उसके बाद फिर आगे हुआ क्या, तर्ज बदल गई मास्टर साहब। मन बिगड़ा मरद रहल, वो रोज रोज फोन करत अपने मेहरारू से चुम्मा मंगे। तो में कौन गलती बा, मेहरारुआ एक दिन व्रत कैले रहे, फोन आइल ओकर मर्दा मंगले, मेहरारुआ एगो बात कहे, का कहे, एहो हमर सोना मा करो जनी फोना मा, एहो हमर सोना मा करो जनी फोना मा,
चुमा के धर जानी ल ये हो जान भूखल बानी कि ये हो जान भूखल बानी आज भर पीड़िया बरत ये हो जान भूखल बानी आज भर लेकिन हवर हमरे गीत के भाव बा कैसे हवर मारे लोगन के जनता के द्वारा जय जयकार होत बा कैसे भाई के पीरितिया बढ़ली जतिया नेता भइले हो नहार जिलावा में चरचा बढ़ल बा आ जिलावा में चरचा बढ़ल बा बनी है विधायक मुफ्तार जिलावा में चरचा बढ़ल बनी है विधायक मुफ्तार भाई के कि हमार छोट भाई राजनीति में कदम रख दिले हो दोनों भाई के अति प्यार दुलार मिलत बा दोनों भाई जी जान से सपोर्ट करे लगलन और साथ ही साथ पूरा पूर्वांचल के लोग पूरा क्षेत्र के लोग भी उनकर सपोर्ट कइलन ओकरे बाद फिर भाई का होइए एमएलए के चुनाव पर्चा दाखिल कइले हो जनता कइले जय जयकार जितिया हासिल कइले हो पूरा जनता में जय जयकार होत बाय हर चारों तरफ फिर आगे बन के विधायक जनता के लायक बन के विधायक जनता के लायक करे सरकार सम्मान जिलावा में चर्चा बढ़ल बा अरे जिलावा में चर्चा बढ़ल बा बनी है विधायक मुफ्तार जिलावा में चर्चा बढ़ल बा जिलावा में चर्चा बढ़ल बा है बाबूजी एमएलए के चुनाव मुफ्तार अंसारी जी जीत गए ले हर तरफ जय जयकार होत बा हर सरकार से भी सम्मानित भइले बड़ा बढ़िया से आपन फर्ज निभइले वाह एहर घर घर में दीपक जलत बा घर घर में खुशी मनत बा दिवाली मनत बा कि हमारे गरीबों का मसीहा कहे जाने वाले मुफ्तार अंसारी जी आज एमएलए बन गए विधायक बन गए इस बात से सबको खुशी है जितना दिन अपने विधायक पद पे रहे जे जैसन कैलस भैया ओके वैसन मुहतोड़ जवाब मिलल कहल जला कि जैसी करनी वैसी भरनी आगे बतावल गेल भैल का गीत बदल गेल राजा घराना रहल फाटक जमाना रहल फाटक जमाना रहल कौआ में मचल हाहाकार बन के समाज सेवक नैया के रहले खेवत नैया के रहले खेवत अध जल में डूटल पतवार
मिलके समाज शोषित अपराधी कैले घोषित, अपराधी कैले घोषित, हत्या में भइले गिरफ्तार। ए बाबूजी, उस घराने को राजा घराना कहा जाने लगा। राजा घराना उसका नाम ही पड़ गया था। गांव के इतने सब लोग खुश थे कि हमारा गांव का बेटा, हमारा जवार का बेटा, हमरे भाई आज हमन के दुख के हर रहल बा, हर हमारे दुख सुख में काम देत बा, हर चीज में सहयोग देत बा। ऐसे लोग बहुत खुश रहलन। लेकिन कुछ दिन के बाद एगो केस के सिलसिला में सब लोग मिल के अपराधी घोषित कर दिलन। एह वजह से अपराधी बन के जेल में जाए के पड़ल। कितना केस उनकरे ऊपर लगल रहे बतावे के बा कैसे सुरठी में। पैंसठ मुकदमा लागल सेरावा घेराइले और सेरा पैंसठ मुकदमा लागल सेरा वाघे रोईले और सेरा वाघे रोईले हो जलिया में काटे करावा सन हो राम ये हो राम रे जलिया में काटे करावा सन हो राम गाजीपुर पंजाब वादा जिला के सहरिया में जिला के सहरिया यार जिला के सहरिया गाजीपुर पंजाब वादा जिला के सहरिया में जिला के सहरिया में 26 मार्च दिन रहल खासन हो राम किया हो राम रे दिन रहल खासन हो राम हे hey, बाबूजी गाजीपुर पंजाब बांदा जिला लास्ट जो पहले जब जेल हुआ उस समय गाजीपुर में थे, गाजीपुर जेल में बंद थे। उसके बाद यहाँ पर अपने परिवार अपने द्वार जैसा लगने लगा, प्रशासन ले जाकर फिर पंजाब जेल में बंद की। उसके बाद वहां से भी उठा करके ले जाकर के जिला बांदा में, बांदा के जेल में उनको बंद किया गया। वहीं पर उनकी तबीयत खराब हुई। जब तबीयत खराब का समाचार सुनते हैं उनके भाई, बड़े भाई अफजाल अंसारी जी जेल में गए मिलने के लिए, मिल करके हाल चाल पूछने लगे। तब इधर मुख्तार अंसारी जी बताते हैं कि भैया हमारी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं लग रही है और हमें यह अच्छी तरह से मालूम हो चुका है कि हमें रोज हर दिन खाने में स्लो पॉइजन दिया जाता है और भैया हमारी तबीयत बहुत खराब है, आप हमको यहाँ से निकाल के बाहर ले चलिए। अपने भाई से गुहार लगाते हैं लेकिन भाई क्या करता, वो भी वहां से चले आते हैं। दो दिन बाद एक न्यूज मिलता है, का भाईल तेरी के भाव लगे था गफलत में भाईल घायल जिंदगी तो फंस के जेल के अंदर जिंदगी घायल कायल। हे बाबूजी वही जेल में अब धीरे धीरे स्वास्थ्य पर असर आवे लगल। भाईल का गीत के एगो संकेत हमरे बिरहा के लास्ट गीत है। कौनो मेहरारू अपने मर्द के बचावे खातिर दरोगा जी से बात पूछा है।
का पूछे कि बाबू दरोगा जी कि बाबू दरोगा जी कवन गुनहिया बंधल पियावा मोर बाबू दरोगा जी लेकिन भाव में बतावल गईल पूरा नगरिया में पूरा नगरिया में सोचना सुन के मचल हाहाकार पूरा नगरिया रहल मसीहा जेल के अंदर रहल मसीहा जेल के अंदर सरवा परल बीमार दूरा सहरिया में पूरा सहरिया में सोचना सुन के मचल हाहाकार पूरा सहरिया शहर पूरा बांदा शहर हिल गया। कहना है कैसे भाई से भाई मिले अइले बांदा जेल मझा सहरिया में हरे बांदा सहरिया में सोचना सुन के मचल हाहाकार बांदा सहरिया में सोचना सुन के मचल हाहाकार हे बाबूजी एहबर चारों तरफ हंगामा मच गई बा कि जेल में मुफ्तार अंसारी जी का तबियत खराब हो गया है। हर तरफ हंगामा मचल हर तरफ मीडिया अपन माइक लेके धावत है केहू के मिले ना दिहे जात बा। एहबर मुफ्तार अंसारी जी के बेटा जब मिले गइलन प्रशासन नाम मिले दहले कहलन कि अभी आपके पिताजी का इलाज चल रहा है अभी आप नहीं मिल सकते हैं ऐसे कह करके उनको भी हटा दिया गया। ओकरा बाद फिर भैल का अल्हा के भाव लग गई। एहर उपचार पर उपचार होत बा लेकिन कोनो फर्क नहीं पड़त बा हो भैया यही से कहल गईल कि भैल उपचार नहीं सुधरल हलतिया भैया अठाईस मार्च रहल दिन गुरुआ आठ
बज रटिया के निकलल परनवा पंचो दस बज रात में मिलल समाचार हार्ट अटैक मुख तार के हो आई गईले गरीबों के मसीहा गईले स्वर्गवा सीधा सोकवा में डूब गईले गौवा नगरिया पंचो हाय हाय करे लगले पूरा परिवार केहू कहे साजिश केहू हार्ट फेल कहे पंचो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पोल खोली सरका बाबू मालूम चला कि 28 मार्च दिन गुरुवार को 8 बजे रात्रि में मुख्तार अंसारी जी अपने प्राणों को त्याग चुके थे। उस समय प्रशासन के द्वारा हर जगह थाने में फोन करके चारों तरफ नाकाबंदी लगवाया गया। उसके बाद रात्रि में 10 बजे दो घंटे बाद 8 बजे उनका प्राण उनके शरीर से अलग हो गया और 10 बजे रात्रि में यह ऐलान किया गया, यह बाहर बोला गया कि अब मुख्तार अंसारी जी इस दुनिया में नहीं है, अब वह इस दुनिया को छोड़ के चल बसे हैं। अरे बाबूजी, घर वालों से मीडिया वालों ने पूछा तो घर का ये बयान है कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया है, यानी कि जो धीरे धीरे असर करे वो जहर दिया गया है, वो भी खाने में मिला करके, जो मुख्तार अंसारी जी खुद बताए हैं। बहुत दिनों से ये साजिश रचा जा रहा था, उसके बाद बहुत प्लानिंग के साथ इनको जहर दिया गया है और मारा गया है। और ये कहने की बात नहीं है, ये दुनिया जानती है कि वो गरीबों के मसीहा थे, गरीब मजदूर लोगों के बहुत काम आते थे, हर कदम पर चलने का काम करते थे। लेकिन कहना है कैसे आगे बतावल गई। हरेक की आखिरी सलामी सब झुकावे सिरवा तब पहुंचल जन्नत में जनाजा गाजीपुर के हीरावा। जब घोषित हो गया मुख्तार अंसारी जी इस दुनिया में नहीं रहे, तो ए बाबूजी, प्रशासन के द्वारा पोस्टमार्टम घर में ले जा करके पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के द्वारा यह जाहिर नहीं हो पाया है कि आखिर में मौत किस वजह से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तब इसका खुलासा होगा कि आखिर में मौत किस वजह से हुई है। लेकिन बाबूजी, वहां से उनकी डेड बॉडी को लाया गया गाजीपुर में, और गाजीपुर में ले आकर के उनका निवास स्थान यूसुफपुर में, जहां उनके पूरे पूर्वजों का कब्रिस्तान बना है, उसी जगह पर मैंने सुना और देखा भी कि जहां उनके माता पिता यानी कि अब्बा अम्मी का जहां कब्रिस्तान बना है, ठीक उनके कब्रिस्तान के नीचे उनके कदमों में यहाँ पर मुख्तार अंसारी जी का कब्रिस्तान बना है। क्योंकि मैंने आज इस वीडियो में देखा, उनके पार्थिव शरीर को 30 तारीख को मैं ये बिरहाग आ रही हूँ, और आज ही सुबह के 10 बजे दफनाया गया, उनकी मिट्टी को दफन की गई। कहना भाई आगे कैसे, दुआ मांगे बेटा उमर अब्बू कही के रोवे,
हरे के फाटे ला करे जानिर नैनावा के धोवे सहे के पीरवा तब पहुंचल जन्नत में जन्ना जा गाजीपुर के हीरावा मिट्टी दफन हो गई, सब काम खत्म हो गया। और उनके बेटे थे, वो सारा परिवार, जितना परिवार में मेंबर है, सब लोग दुखी थे आज, क्योंकि उनका एक बेटा ही नहीं, एक बाप नहीं, बल्कि पूरे पूर्वांचल का शेर चला गया है, पूरे गरीबों के मसीहा चला गया है, गरीबों का भगवान चला गया है। आखिरी लाइन में कहना है कैसे, गुरु बिहारी गुरु गणेश जी डूब गए हैं गम से, हरे के लिखे श्रद्धांजलि बबलो यादो या सुबह है कलम से, हरे गफलत में भैली घायल जिंदगी, ज्योति बबलू कभी बिरहा से मनिया घायल, गफलत में भैली घायल जिंदगी।